नमस्कार। लॉकडाउन के इस समय में आज टीवी रेडियो के अलावा जानकारी का माध्यम हमारा मोबाइल भी है। आज हर छोटी बड़ी जानकारी हम कुछ क्षणों में ही एक दूसरे से साझा कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपको प्राप्त सभी जानकारियाँ सही ही होती हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फेक न्यूज की या गलत जानकारियों की। कोविड-19 से संबंधित कई गलत जानकारियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की जा रही हैं। तो आइए जानते हैं इनका सच। अल्कोहल या मदिरा पान से आप कोरोना से बच सकते हैं, जबकि डॉक्टरों की माने तो वो ये कहते हैं कि अल्कोहल इम्यूनिटी को कमजोर करता है और कोरोना से बचाव के लिए अच्छी इम्यूनिटी की बहुत जरूरत होती है। तो इसलिए ये ध्यान रहे कि अल्कोहल लेने से इम्यूनिटी बढ़ती नहीं, घटती है। एक और खबर के मुताबिक एक डॉक्टर रमेश गुप्ता की एक स्कूल की किताब जिसमें की जिक्र है कोरोना वायरस का, चिकित्सकों की माने तो ये सभी कोरोना एक जैसे नहीं होते हैं। चिकित्सकों के अनुसार वो कोरोना जो उन्होंने किताब में बताया है वो आम सर्दी खांसी वाला कोरोना है, जबकि कोविड-19 उससे ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए जब बात कोरोना की कर रहे हैं हम आज, तो कोविड-19 की बात हो रही है। मेदांता के डॉक्टर त्रिहन ने कहा है कि देश में इमरजेंसी के हालात हैं और मैंने इस बारे में पीएमओ से बात की है और वो जल्दी ही देश में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाले हैं, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खबर पूरी तरह से तथ्य विहीन है। यहाँ तक कि डॉक्टर त्रिहन ने इस बात की पुष्टि करने के लिए एक बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी निकाली है। एक और खबर के मुताबिक एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें एक लड़का और लड़की है और मैसेज में लिखा आ रहा है कि इस डॉक्टर दंपत्ति ने 134 लोगों को कोरोना से बचाया है और बाद में ये खुद कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और आखिरी बार ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, जबकि ये खबर भी पूरी तरह से झूठी है। जब इस बात की पुष्टि की गई तो ये पाया गया कि ऐसी कोई खबर है ही नहीं। एक और खबर आ रही है कि अगर कोई लॉकडाउन सक्सेसफुल करवा सकता है वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने रूस की सड़कों पर शेरों को छोड़ दिया है जिससे लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। असलियत में ये खबर भी झूठी है। दरअसल ये वीडियो एक फिल्म की शूटिंग के दौरान लिया गया था जो कि कभी रिलीज नहीं हुई। वास्तविकता ये है कि रूस में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। एक और फोटो वायरल हो रही है जिसमें जमीन पर कई लाशें पड़ी हैं और कहा जा रहा है कि इटली में ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है, परंतु ये खबर भी झूठी है। ये फोटो भी असली नहीं है बल्कि एक फिल्म से निकाली गई है और वास्तविकता में ये एक फेक न्यूज है। इटली के प्रधानमंत्री की आंसू बहाने वाली भी एक फोटो वायरल हो रही है। जी हाँ, ये खबर भी झूठी है। आज इजी एडिटिंग के जमाने में कुछ भी फेर बदल कर भ्रम फैलाया जा सकता है, तो कृपया सजग रहें और ध्यान दें कि विशेषज्ञों और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का ही पालन करें। कोविड-19 के संक्रमण से खुद को सुरक्षित रखें। ये सुगम्य वीडियो आप तक राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।